हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी टॉक वर्ल्ड ट्यूटोरियल बाय हिमांशी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मटीरियल्स को थ्रू आउट द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड दिस सिस्टम इज़ नेसेसरी बिकॉज भी हमारे एसेंशियल कंपोनेंट है वो आपके इक्वल अमाउंट में हर पार्ट ऑफ द बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और पर सेल की और पर पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के नीड को फुलफिल करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए यू हैव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू, वन इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज दैट जाइलम टिश्यू आपके फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से कंबाइन होकर बनता है। फर्स्ट इज ट्रैकीन, सेकेंड वेसिकल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ क्लेरेन्काइमा। सिमिलरली फ्लोएम भी अगेन आपके फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से कंबाइन होकर बना है। फर्स्ट इज सीव ट्यूब, सेकेंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज सीव फाइबर एंड फोर्थ इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ जाइलम आर डेड, वेयर एज इन केस ऑफ फ्लोएम मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग। नेक्स्ट, जो आपका जाइलम है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली अकर होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर, एंड फ्लोएम में पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन अकर होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मच मोर डिटेल। फर्स्ट इज देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि आपके प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस, थर्ड इज कोहेसिव फोर्स एंड फोर्थ इज एडिसिव फोर्स। डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली कोई सब्सटेंस अपने हाई कंसनट्रेटेड एरिया से अगर लो कंसनट्रेटेड एरिया में मूव कर रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में बेसिकली आपके दो टाइप के सॉल्यूट पार्टिकल भी मूव हो सकते हैं एंड सॉल्वेंट पार्टिकल भी मूव हो सकते हैं। तो आपका डिफ्यूजन क्या है? इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज जो आपके किचन में जो कुकिंग की जो स्मेल आती है वो आपके अदर रूम्स तक भी स्प्रेड हो जाती है विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। सेकेंड फिनोमिना इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अगेन मोर और लेस सिमिलर टू डिफ्यूजन, बट द ओनली डिफरेंस इन ऑस्मोसिस इज दैट यू नीड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल ये कंपार्टमेंट है, ये सेकेंड कंपार्टमेंट है, इसके बीच में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए तभी आपका कोई सब्सटेंस हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करेगा। यहाँ पे वन मोर थिंग इज टू नोट, यहाँ पे केवल आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं और वो भी कहाँ से कहाँ, वो भी फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू योर लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मस्ट। ऑस्मोसिस में भी चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करती हैं बट वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होता है, और यहाँ पे ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, नॉट सॉल्यूट। दिस फिनोमेना यू कैन ईजली सी इन द आर ओ सिस्टम ऑफ योर हाउसेज। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, जैसे वाटर वाटर ये दोनों सेम टाइप के, इसके बीच में लग रहा है, कोहेसिव फोर्स है। देन आपका यहाँ पे यू कैन सी आपके जो मिनरल्स हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आयरन है वो किसी दूसरे आयरन के साथ बाइंड कर रहा है, दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव फोर्स। ठीक है, आपका कोई मिनरल है, एक्स नाम का कोई मिनरल है, वो अपने दूसरे एक्स नाम के किसी मिनरल के साथ बाइंड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स इज अ सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोलो और आप सब्सटेंस बोलो, वो कैसे होते हैं? ऑफ सेम टाइप, वो सेम टाइप के होते हैं। फोर्थ टाइप इज योर एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स इज जस्ट द रिवर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या होता है,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में लगता है। ये क्या हो रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में लग रहा है। लाइक एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, एक कोई आयरन मॉलिक्यूल ले लो। नेक्स्ट, जो आपका वॉल में और मॉलिक्यूल्स हैं जो वॉल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वो किसी मिनरल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडहेसिव फोर्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशनल पुल थ्योरी। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। जनरली नाम से सजेस्ट है कि ट्रांसपोरेशनल पुल थ्योरी, यहाँ पे जो पुल और सक्शन क्रिएट होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, वो स्पेशली ट्रांसपोरेशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। एंड ट्रांसपोरेशन क्या होता है, सिंपली वाटर का इवेपोरेट होना फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू हाई टेम्परेचर आउटसाइड, उसी को आप ट्रांसपोरेशन बोलते हैं। जैसे इट इज मेंशन हियर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या करती है, नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट कर रही है जाइलम में, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लेट अस कंसिडर कि ये आपका कोई ट्री है, दिस इज द हाइएस्ट लीव्स जो आपके उस ट्री में है, एंड दीज आर द रूट्स, दिस इज योर सॉइल। अगर कंसिडर करो कि आपके रूट से लेकर जितने भी सेल हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, वो एक चेन लाइक फैशन में अरेंज है टिल द टिप ऑफ द लीव और द हाइस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने सेल्स को ग्रीन कलर से लेट अस वी हैव मेड इट, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि अगर ये हाइएस्ट पार्ट ऑफ द लीव है, वहाँ से वाटर इवेपरेट होता है, वी हैव इवेपरेटेड वाटर फ्रॉम दिस पार्ट, एंड वो किस वजह से हुआ, दैट इज़ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे जो वाटर का इवेपोरेशन हुआ, दैट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब क्या होगा, और हमें पता है जो लोएस्ट सेल है, ठीक है, जो कि आपकी टूवर्ड्स द सॉइल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल के चारों तरफ क्या है, हाई अमाउंट में वाटर है, तो इस सेल में वाटर का कंसनट्रेशन क्या है, हाई है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आपका जो टिप में से वाटर लॉस होगा, तो इस वाले सेल में अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको नंबरिंग कर दे, 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell एंड सो एंड ऑन, तो फर्स्ट वाले सेल में से वाटर इवेपोरेट होगा, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले सेल से। तो सेकेंड वाला सेल क्या करेगा, फर्स्ट वाले सेल को वाटर दे देगा और फिर इसका कम हो जाएगा। ये थर्ड वाला सेकेंड वाले को देगा तो थर्ड वाले के पास कम पानी बचेगा, फिर फोर्थ वाला थर्ड वाले को देगा तो फोर्थ वाले के पास कम बचेगा। इस तरीके से हर सेल जो अपने आगे वाले सेल की नीड को पूरा कर रहा है, ये जो पुल और यहाँ पे जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है वाटर में, उसका जो मेन रीज़न है, दैट इज़ योर ट्रांसपिरेशन ओनली। और यहाँ पर हमारे जो वाटर पोटेंशियल या जो वाटर का डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन में बिटवीन द एडजेसेंट सेल, उन सेल्स के बीच में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वाटर मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो 4 से 3 में गया, 3 से 2 में गया, 2 से 1 में गया, यहाँ पे किस फिनोमिना की हेल्प से वाटर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में हमने सिंपली पढ़ा है चीज़ें अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाती हैं, और यू कैन से द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप ऑस्मोसिस भी बोल सकते हो कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि जो टिप ऑफ द प्लांट है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है, वही एक रीज़न है जो अपने एडजेसेंट सेल्स में वाटर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे 1 से वाटर इवेपोरेट हुआ तो 2 में ज़्यादा पानी है कंपेयर टू 1, तो यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो गया है, और ड्यू टू दिस डिफरेंस आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहता है टिल ऑल द सेल जो कि रूट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है, और इसी की वजह से एक सक्शन और एक प्रेशर क्रिएट होता है, वाटर सिंपली मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन जो कि सॉइल में है टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन जो लीव में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी।
नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, यहाँ पे किस पार्ट ऑफ द प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। हमारे पास ट्रांसपिरेशन थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जस्ट मीन वाटर का लॉस टोमेटा से जब होता है। सेकेंड इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, मीन वाटर का लॉस यहाँ पे क्यूटिकल से हो रहा है। क्यूटिकल्स क्या होती है, जो आपकी लीफ के ऊपर जो एपिडर्मस सेल्स होती है उसके ऊपर एक पतली सी वैक्सी कोटिंग होती है, जिसको आप क्यूटिकल बोल रहे हो। थर्ड इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, अगर आपका ट्रांसपिरेशन लेंटिकल सेल से हो रहा है तो उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हो। लेंटिकल्स आर नथिंग बट द माइन्यूट पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द बार्क और द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स जो आपकी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली लेंटिकल्स आर द स्मॉल पोर्स जो आपके बार्क एंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आउट ऑफ ऑल दिस थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90%। देन क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन से आपका 3-9% वाटर का लॉस होता है, और सबसे कम वाटर का लॉस आपका लेंटिकल से होता है। एज इट इज़ रिटन हेयर ऑल्सो, लेंटिकल्स आर द माइन्यूट परमानेंट ओपनिंग प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम वुडी प्लांट्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, वन इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर एंड सेकेंड इज नोन एज इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड इंक्लूड होता है, जो कि डायरेक्टली आपके ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जबकि आपके इंटरनल फैक्टर में लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ में किस टाइप के स्टोमेटा है, लीफ के ऊपर कितनी वैक्सी कोटिंग है, लीफ के अलाइनमेंट कैसा है, अगर लीफ हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है, जो कि डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर हॉरिजेंटल लीफ होगी तो ज़्यादा सरफेस से यहाँ से वाटर लॉस होगा, और अगर ये वर्टिकल होगी तो यहाँ पर कम सरफेस एरिया है फॉर द लॉस ऑफ वाटर। सिमिलरली यहाँ पर देखो, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वाटर ज़्यादा इवेपोरेट करेगा। ह्यूमिडिटी मीन मॉइस्चर, जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होगा ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हीट होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। विंड, जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतना ज़्यादा वाटर को अपने साथ ले जाएगी और ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जो डिफरेंट मटीरियल्स लाइक गैसेस, फूड, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल फॉर्म में होती है, मीन आइदर वो सेल से बने होते हैं, सिंपली टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट होता है उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए। लाइक एग्जांपल प्रोटोजोन्स में आपको ये देखने को मिलेगा, स्पॉन्जेस में एंड सिलेंट्रेट्स में। वेयर एज इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उनमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी में। तो हमारी बॉडी में केवल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एक सफिशिएंट प्रोसेस नहीं हो पाता, जो हर सेल को उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को सप्लाई कर सके और हर सेल की नीड को पूरा कर सके। इसीलिए हमें वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना होता है, जिसको हम प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम्स बोलते हैं। तो आपका वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हायर एनिमल्स में लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में। So this is all for today. Thank you. If you like my channels, please like, share and subscribe it.